शाहबाद उपखंड के देवरी कस्बे में कुपोषण से हुई सहरिया बालिका की मौत पर किशनगंज शाहबाबाद से पूर्व विधायक ललित मीणा ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाकर सवाल उठाए। सरकार की अनदेखी व अधिकारियों की लापरवाही से काल का ग्रास बनी 3 वर्षीय मासूम बिंदिया की मौत के बाद पूर्व विधायक ललित मीणा मृतक बालिका के परिजनों से मिले और जानकारी ली। मृतक बालिका बिंदिया की 5 वर्षीय बहन काजल भी कुपोषित है एवं उसकी मां पपीता सहरिया टीवी से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासन में जिले में सहरिया समाज के लिए 10 MTC संचालित थे, जिनमें प्रत्येक में 3 नर्सिंग कार्मिक कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए कार्यरत होते थे। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 8 MTC को बंद कर दिया है। वहीं गत वसुंधरा राजे सरकार के समय MTC में भर्ती कुपोषित के अभिभावकों को 200 रुपये प्रतिदिन का आर्थिक संबल भोजन व प्रोत्साहन हेतु दिया जाता था, जिसे गरीब विरोधी गहलोत सरकार ने बंद कर दिया है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार काम छोड़कर इलाज नहीं करवा पाते। जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूर्व विधायक मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बारा जिले में जो प्रशासन है चिकित्सा विभाग की 0% मॉनिटरिंग है। कुपोषित और अति कुपोषित जो बच्चे हैं इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। पूर्ववर्ती सरकार पूर्व मुख्यमंत्री जी के समय वसुंधरा राजे जी के समय ये 12 जिले में 10 MTC वार्ड बने हुए थे। केलवाड़ा था, किशनगंज था, रेलावन था, आपका देवरी था, शाहबाद था। आज केवल जिले में 10 में से केवल 2 MTC वार्ड वर्तमान में अभी संचालित हैं, 12 का शहर का यहाँ पर और एक शाहबाद। इसके अलावा कहीं भी कोई MTC वार्ड नहीं है। और वो उस समय जो परिवार MTC वार्ड में भर्ती होता था उसको 200 रुपये पर डे जो हमारी राशि होती है मजदूरी राशि वो TADA से मिलती थी, वो अभी वर्तमान में इन्होंने बंद कर दी। और जो ये बच्ची समरानिया की, ये पिछले 6 महीने से देवरी रह रही थी और ये 5 साल की बालिका अभी यहाँ जो भर्ती है, और इससे छोटी बालिका जो डेथ हुई है, ये 6 माँ भी वहाँ देवरी थी। पिछले 6 महीने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी, आशा, जो इनको गेहूं भी बंद है इनका, अभी उसकी नानी परवरिश कर रही है, नानी के यहाँ ये थे, वहाँ पर इनको गेहूं बंद था, राशन नहीं मिलता था। और जो टीकाकरण है, टीकाकरण में भी राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत जो राशि मिलती है जन्म होने पे 1000 की राशि, फिर बच्ची अगर 2 साल की होती है तो अलग राशि, तो ऐसे जब तक 12वीं तक पढ़ती थी तो 51,000 रुपये पूर्ववर्ती सरकार देती थी। उस राशि में टीकाकरण के आधार पर राशि उस माँ के खाते में जाती थी, वो भी कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है, वो भी नहीं मिली है। और कहीं ना कहीं प्रशासन देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।